हिसार जिले के गांव बबुआ में आज चहल सरदारी आई है। ये प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे और सामाजिक समस्याओं का ध्यान करेंगे। तो साथियों, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो चहल गोत्र है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी और हरियाणा में कौन सा गांव था जो सबसे पहले चहल गोत्र के लोगों ने बसाया और आगे कहां कहां निकासी हुई। तो साथियों, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामीण भूमि को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चहल का जब जिक्र आता है ना, चौहान वंश था। चौहान वंश से पांचवीं शताब्दी में जब निकल के एक चोल की स्थापना हुई, चोल से ही चहल की स्थापना हुई। और जब चहल और चोल से आगे जाके राजस्थान में सबसे पहले चहल आबाद हुए, राजस्थान के बाद दिल्ली में आए और दिल्ली से जाके फिर पंजाब के मानसा जिले के पिखी तहसील के गाँव मती में जाके उन्होंने महाराजा देसु सिंह ने अपनी एक रियासत बनाई। महाराजा देसु सिंह की जो रियासत थी उसके चारों तरफ मुगलों की पठानों की रियासत हुआ करती थी। 1881 में महाराजा पटियाला ने जाकर उस रियासत को अपने अधीन कर लिया। उससे पहले वो रियासत कभी गुलाम नहीं हुई। महाराजा देसु सिंह रहे हो, महाराजा जोगा सिंह रहे हो, महाराजा अजीत सिंह रहे हो, कभी वो गुलाम नहीं हुए। और मती से चल के ये तीन बुड्ढे हमारे वहाँ से आए, जगता, सगता और बगता। मती से जब चल के आए तब बगता ने उसको निमड़ी को बसाया और जगता ने बड़ौदा को बसाया और बगता ने सगता ने बबुआ को बसाया। और जो हमारा बबुआ ये गांव है जहाँ पे हमारा ये सम्मेलन होने जा रहा है, इस गांव से एक डाणी चहल निकला है। बाकी 32 गांव हमारे निमड़ी में जो दादा बगता था उसके गांव से 32 गांव निकले हैं। और उसके बाद बड़ौदा हमारी जड़ है, हमारी राजधानी है। एक किस्म से सबसे बड़े बुजुर्ग जो तीन बुड्ढे हमारे वहाँ से चल के आए वो बड़ौदा में उन्होंने निवास किया था, अपनी डाणी गाड़ी थी वहाँ पे, उनकी बसासत की थी वहाँ से। 100 से ज़्यादा, कम और ज़्यादा मिला के, जैसे बड़ौदा से किठाणा गया, किठाणा से तीन गांव हो गए, गुणा गया, गुणा से तीन गांव हो गए, नड़ गया, नड़ से दो गांव हो गए। इसी तरह से आगे चलते हुए 100 से ज़्यादा कुल मिला के गाँव बड़ौदा से निकले हैं। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि चहल खाप का वस्तु अस्तित्व में आई, चहल खाप का अस्तित्व इसी गाँव से उत्पन्न हुआ था। बबुआ गांव में सबसे पहले 1991 में हमारे बुजुर्ग यहां पे इकट्ठे हुए और इस गांव के हमारे जो ताऊजी थे चौधरी राम सिंह को प्रथम प्रधान बनाया गया था। और 1991 से लेकर 2011 तक राम सिंह ही इस खाप के सर्वमान्य प्रधान रहे। 2011 में 28 मार्च 2011 को हमारा एक बहुत बड़ा सम्मेलन बड़ौदा गांव में हुआ और सर्वसम्मति से चौधरी सुरजीत सिंह को चहल खाप हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला। और 2021 में कोरोना के दौरान जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद अब बराबर में ये हमारे प्रधान जो सर्वेसरा सरप्रस्त हैं चहल खाप के हरियाणा प्रदेश के, बलबीर सिंह बड़ौदा इनका गांव है, इनको सर्वसम्मति से बनाने का अवसर मिला, इनको सेवा करने का मौका मिला है। और चहल खाप हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी खाप है जो भिन्न गांव, ऐसे गांव हैं जो अलग अलग गांव में बिखरे हुए हैं। जैसे नैन के 52 गांव एक जगह हैं, डुड़ों के 8 गांव एक जगह हैं, दैया के 40 सोनीपत में हैं, मलिकों के गांव हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन सोनीपत उनका गढ़ है और पश्चिमी यूपी उनका गढ़ है। बट ये दुर्भाग्य है कि चहल गोत्र हरियाणा प्रदेश में द्वितीय खाप होते हुए भी पहले नंबर की खाप पूरे हरियाणा प्रदेश में मलिक है, दूसरे नंबर की खाप चहल खाप है। और देश में पहले नंबर की खाप पुनिया खाप है, दूसरे नंबर की खाप मलिक खाप और तीसरे नंबर की खाप पूरे देश में चहल खाप है। लेकिन ये एक जगह नहीं है, चाड़िया हमारा मिल जाएगा। जैसे हम चालीसा बोलते हैं, पंजाब में मती के इलाके में चाड़िया बोलते हैं, वो 40 गाँव वहाँ पर हैं। और संभल के इलाके में भी चाड़िया है, वहाँ पे भी एक हमारा जिसके नाम से हमारी एक मूर्ति रखी हुई है, बाबा जोगा सिंह थे ये। जोगा सिंह ने 1398 ईस्वी में तैमूर लंग की सेना के जो 20,000 सैनिक वहाँ पे आए थे, उनका सर धड़ से अलग हो गया था, सर धड़ से जब अलग हुआ उसके बाद भी उनकी तलवारें चलती गई। जोगियों का वहाँ पे ज़्यादा प्रचार था। तब मुसलमानों ने, पठानों ने हार के जब भागते हुए कहा था, जोगिया जान बख्श दे, जोगिया जान बख्श दे, जोगिया जान बख्श दे, जोगिया से जोगी पीर बन गया। वहाँ पर बहुत बड़ी इसकी मज़ार बनी हुई है, बहुत बड़ा मंदिर है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है। इसी तरह से संभल के अंदर भी पूरा आबाद है एक किस्म से इलाका, वहाँ पे भी चाड़िया है, वहाँ पे इसकी पूजा की जाती है। और हम उससे पहले से देसा सिंह रहे हों, अजीत सिंह रहे हों, जो बलिदान जोगिया सिंह चहल ने दिया, जोगी पीर चहल जी के नाम से जो मशहूर हैं आज, जो बलिदान उन्होंने दिया कि गर्दन सर से अलग होने के बाद, धड़ से अलग होने के बावजूद भी उनकी तलवार चलती रही, तब मुगलों ने जाके कहा था कि ये आदमी आदमी नहीं बल्कि ये
परमात्मा के रूप में कोई दैविक दैवितीय शक्ति इसके अंदर है, तो उसकी मज़ार उन्होंने बनाई थी और तब से उनको मज़ार के रूप में पीर माना जाने लगा, कहा जाने लगा। इस वजह से हम भी इनको आज हमारा दादा सबसे बड़ा जोगी पीर चहल जी को ही मानते हैं, और घर घर में जोगी पीर चहल का नाम आप लोगों को सुनाई देगा, चाहे हमारी जनरेशन आगे आने वाली है, चाहे हमारे बुजुर्ग रहे हैं, चाहे हम हैं। आज भी हम इनका सर्व कुछ इसके बलिदान को देखकर, इसके समाज की सेवा को देखकर, गवों की सेवा की, इसने प्रतिभाओं को आगे लेके आने का काम किया, जैसे आज हम प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, बाबा जोगा सिंह चहल ने भी सर्वप्रथम सबसे पहले यही काम किया था। तो आज के सम्मेलन में क्या कुछ सामाजिक मुद्दे रहने वाले हैं? सामाजिक मुद्दों से पहले हमारा भाईचारे का सम्मेलन है, जैसे तीज त्यौहार के ऊपर, होली के ऊपर लोग इकट्ठे होकर होली जलाने के लिए एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, दिवाली के रूप में इकट्ठे होकर बम जलाते हैं, हम चहल गोत्र का जो सम्मेलन होता है उसको एक त्यौहार के रूप में लेते हैं। जैसे रिश्तेदारों का आना शादी में होता है ना, हमारे भाईचारे का एक सम्मेलन इसी प्रकार से हमारा ये त्यौहार है, मिलन है। और जो हमारे समाज से, हमारे चहल खाप से, चहल समाज से जो प्रतिभाएं, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे कल्चरल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे प्रोफेशनल्स में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जिन्होंने अद्वितीय और सराहनीय काम किया है, उनको सम्मानित करने का काम हम खाप के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से हर बार करते हैं। इसमें बहुत सारा भाईचारा बढ़ता है, क्यों हमने ये चहल चहल से नहीं, भाईचारा तो हर किसी का भी अच्छा ही होता है, छोटा नहीं होता। हम चहल इकट्ठे हो गए ना, एक दूसरे का बेरा लगे, जो भाई दो घर हैं या दस घर हैं उनको सहायता की जरूरत, तो सहायता भी मिल जाती है नहीं एक दूसरे को। जैसे मेरा एक बार गाड़ी रिवाड़ी के पास खराब हो गई थी, वहाँ दो भाई परिवार चहलों में बसे थे, बड़ी मदद करी। मतलब ये जुड़ाव से ही पता लगता, नहीं हमको क्या पता हमारे परिवार कहाँ कहाँ बस रहे हैं, इसको इकट्ठा कट करने से ही मालूम होता है कि भाई बबुआ से कौन गया, उधर बस रहा है, उधर बस रहा है। इससे एक दूसरे को सहायता मिलती है जी, बहुत अच्छा सुगन होता है कि भाई मिल गया। और भाई से गोत्र का भाई होता बहुत बड़ा जी, या तो जोड़ का भाई हरियाणवी कल्चर में, या गोत का भाई, इससे बड़ा भाई ये नहीं होता। जो शिक्षा जगत में, खेल जगत में, या किसी भी उसमें चहल खाप का नाम रोशन किया, उनको सम्मानित किया जाएगा। और जो भी बबुआ गांव का कोई भी हो, किसी भी गोत्र से हो, उसको भी सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत ही खाप के लिए अच्छा कदम है, वो सराहनीय कदम है। हमारी प्रतिभाएं हैं चहल खाप में, जिसने खाप का नाम ऊंचा किया है, चाहे वह MBBS हैं, IAS हैं, IPS हैं, जब इन लोगों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा तो युवाओं को ऑटोमेटिक एक बूस्टर डोज यहाँ मिलने वाली है कि हम भी अपनी खाप का नाम करें, ऊँचा करेंगे, तो बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, खेलों की तरफ ध्यान देंगे। तो ऐसे जो सम्मेलन होते हैं, ये तो एक समाज को एक संदेश देने वाले सम्मेलन होते हैं, और उसी संदेश को लेकर आज हम यहाँ बबुआ गांव में इकट्ठे हुए हैं, ताकि हमारी खाप के बच्चे आगे पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करें और ऐसे मंचों पर वो आएँ और उनको खाप लगातार सम्मानित करती रहे। मैं यही चाहूँगी कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वह उनसे एक कॉन्फिडेंस लेवल पे होता है। जो आज तक खाप में ये थी कि भाई पुरुष समाज है, महिला समाज को मतलब बच्चों का अच्छे से मार्गदर्शन करती है। ये जो गांव बबुआ में जो चहल खाप की तरफ से, सारे गांव बबुआ की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, जो प्रोग्राम बनाया गया है, इसमें सभी नई पीढ़ी को प्रोत्साहन मिलता है। पंचायतों के अंदर जो भी फैसला होता है वो मान्य होता है। इसमें हमने सभी तरह के उच्च अधिकारी जो अच्छे पदों पर है और जो जिन्होंने अच्छी सेवा की है और जिन्होंने स्पोर्ट्समैन है, सभी अफसर अधिकारी बुलाए गए हैं जिनको हम इसमें सम्मानित करेंगे। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं जय श्री राम बोलना चाहूँगी, और आज जो सम्मेलन में हम आए हैं इससे बड़ा उत्साह होता है और जोश भी आता है बच्चों के अंदर, एक जोश आता है कुछ करने का। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में तो प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं इंटरनेशनल प्लेयर रही हूँ, मैंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं नेशनल लेवल पर, लेकिन अब मैं एक एडवोकेट हूँ क्योंकि मेरी किसी कारणवश से गेम छूट गई थी, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ। बाकी बच्चों को उत्साह बड़ा मिलता है यहाँ पर आके, जो बुजुर्ग आकर आशीर्वाद देते हैं इससे बड़ा उत्साह मिलता है और कुछ कर गुजरने का उत्साह आता है। सबसे पहले सभी को राम राम। मैं गांव रूखी से शहीद हवलदार जगदीश चंद्र सेना मेडल 2006 में शहीद हुए थे श्रीनगर बांदीपुर में। ऐसे सम्मान होता है वीर नारियों का तो बहुत अच्छा लगता है, और अपने चहल क्या तो पहली बार आई हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बच्चे
ज्यादा उत्साह हो गए और बहुत अच्छा खेलते हैं और सब। एक समाज इकट्ठा होता है हमारे, और जैसे अपनी चहल खाफ है तो ये हमारे युवाओं के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं चाहती हूँ हर साल हर बार ये सम्मेलन हो, ऐसे ही हर साल हमारे जैसे युवाओं को एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे बढ़े और अपने अपने समाज का, अपने गांव का, अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। हाँ, जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सम्मानित करते हैं तो जो बच्चे नहीं खेलते उन्हें भी खेलने की प्रेरणा मिलेगी, उनके अंदर भी ये भावना होगी कि भाई हम भी खेलें, हमारे भी मेडल आए और हमारे भी ऐसे हमारे गाँव के बड़े बुजुर्ग हमारा सम्मान करें, इससे बहुत सारे बच्चे गेम में आएंगे। गुरिंदर सिंह चहल, गांव सरावां से, जिला यमुनानगर। और इससे पहले भी खाप सम्मेलन में पहले भी उजाना गांव में भी आए थे, बीबीपुर में भी आए थे। ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और भाईचारे के लिए सभी चहल भाई इसमें इकट्ठे होके अपने विचार रखते हैं। और जो खाप पंचायतें हैं ये नशा के ऊपर और जो समाज में कुरीतियां हैं उनके ऊपर भी लगाम लगाने का काम करती हैं, इसलिए समय समय पर ये आयोजन होते रहने चाहिए।